हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन. स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, आज मैं आपको जो आपका एनुअल का कोर्स है वो स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसमें कि आपका चैप्टर 13 है, जिसका नाम है ए विनिंग टास्क, यानी कि एक जीता हुआ कार्य. तो चिल्ड्रन, ये एक एक्टिविटी के बारे में चैप्टर है हमारा, जैसे कि आपको आपके स्कूल में दी जाती है एक्टिविटीज़. तो क्या हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन स्कूल एक्टिविटीज़? क्या आप हमेशा अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ टास्क हैव बीन असाइंड टू यू? किस तरह का कार्य आपको दिया जाता है? डू यू कंप्लीट योर टास्क सिंसियरली? क्या आप अपना काम सिंसियरली करते हैं? व्हाट आर द वैल्यूज़ दैट यू लर्न आउट ऑफ दिस टास्क? और क्या वैल्यू है उनकी जो आप इन कार्यों से सीखते हैं, जो आपको ये कार्य दिए जाते हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं आपके उसमें? तो चिल्ड्रन, यहाँ पर एक बच्चे को एक्टिविटी दी जाती है, यानी कि इस क्लास में जो है एक्टिविटी दी जाती है. तो जो बच्चे इन एक्टिविटीज़ को इंटरेस्टिंग वे से करते हैं चिल्ड्रन, वो बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है, तो इसी तरह इस चैप्टर में भी एक्टिविटी में बताया गया है. लेट्स रीड, चलिए हम पढ़ते हैं. देयर वाज वन अ लिटिल टाउन इन अ ब्यूटीफुल वैली. एक बार की बात है, एक बहुत छोटा सा टाउन था, एक बहुत सुंदर घाटी में. द स्कूल्स ऑफ द टाउन एम्ड एट डेवलपिंग कंपेशन इन देयर चिल्ड्रन एंड द इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन देम. अब उस स्कूल का उद्देश्य क्या था? उस स्कूल का उद्देश्य क्या था कि उनके जो बच्चे हैं, जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी जो उनका जो कंपैशन था उसे डेवलप करना, बढ़ाना. ठीक है, उनके अंदर जो योग्यता है उसको बढ़ाना, और उनकी जो स्पिरिट्स है कोऑपरेशन की, यानी कि एक साथ मिलकर काम करने की जो स्पिरिट है उसको स्थापित करना. ये उस स्कूल का उद्देश्य था. क्या उद्देश्य था चिल्ड्रन उस स्कूल का? कि जो बच्चे हैं आपस में मिलजुल कर काम करना सीखें. ठीक है, और उनके अंदर जो गुण है उसको डेवलप करना. इन द बिगनिंग ऑफ एवरी टर्म अ टास्क वॉज गिवन इन ऑल द स्कूल्स ऑफ द टाउन. तो जब भी हर टर्म की जब भी शुरुआत हुआ करती थी, तो स्कूल के प्रत्येक बच्चे को, गांव के स्कूल के प्रत्येक बच्चे को एक काम, एक टास्क जो है एक्टिविटी के रूप में दिया जाता था. द टास्क असाइंड वर वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग. और जो बच्चों काम दिया जाता था ना, वो बहुत ज़्यादा आसान होता था, एक्साइटेड होता था, मज़ेदार होता था और आनंददायक होता था, इंटरेस्टिंग होता था. द चिल्ड्रन वर ऑलवेज ईगर टू पार्टिसिपेट इन दैम. अब बच्चे जो थे हमेशा उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित होते थे, उत्सुक होते थे, यानी कि प्रत्येक बच्चा जो था उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहता था. वन पर्टिकुलर ईयर देयर वॉज ए सरप्राइज इन स्टोर फॉर एवरी वन. हर साल बच्चों एक सरप्राइज जो तो स्टोर हुआ करता था उन सब के लिए, यानी कि हर एक के लिए एक नया टास्क, एक नया सरप्राइज होता था. ऑल चिल्ड्रंस वर गिवन एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी टास्क लाइक डस्टिंग बुक्स, रिवाइजिंग लेसन्स, मेकिंग नोट्स और क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड्स. और सब प्रत्येक बच्चे को, बच्चों बहुत ही आसान काम दिया जाता था, जैसे कि बुक्स को डस्ट करना, अपने लेसन को रिवाइज करना, नोट्स बनाना, ठीक है, और ब्लैक बोर्ड को साफ करना. यानी कि इतने इंटरेस्टिंग टास्क होते थे कि प्रत्येक बच्चा जो था उत्सुक होता था कि उन्हें वो कार्य मिले. अमंग देम राजीव स्टूड आउट. उनमें से जो राजीव था उसे खड़ा किया गया. ही वॉज अ काइंड एंड क्वाइट बॉय. वे बहुत ज़्यादा दयालु और एक शांत बच्चा था. द प्रीवियस ईयर ही हैड कैरिड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली. पिछले साल उसने अपनी टीचर्स की जो भी इंस्ट्रक्शंस टीचर्स की तरफ से दी जाती थी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उसने निभाया था. यानी कि बहुत ही सिंसियर बच्चा था वो. ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन न्यू राजीव टू बी द फेवरेट स्टूडेंट.
ऑफ ऑल द टीचर्स, यानी कि सभी बच्चे क्या जानते थे कि जो राजीव है वो एक फेवरेट विद्यार्थी है सभी टीचर्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑबिडेंट चिल्ड्रन था, ठीक है। जो भी टीचर्स कहती थी उनके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही सिंसियरली फॉलो करता था, कभी भी किसी चीज़ के लिए वो मना नहीं करता था। तो वो क्या था, एक फेवरेट स्टूडेंट था सभी टीचर्स का, इस बात जो थे सब बच्चे जानते थे। एंड थॉट दैट ही वुड बी गिवन द बेस्ट टास्क ऑफ ऑल। और उन्होंने क्या सोचा कि और ये भी वो सोचते थे कि वो हमेशा जो भी उसे कार्य दिया जाता है वो सब में से सभी बच्चों से सबसे अच्छा कार्य वो कर कर दिखाता है, इसलिए भी वो बेस्ट था। बट राजीव वाज असाइंड अ वेरी बिजी टास्क। लेकिन अब क्या हुआ, राजीव को जो दिया गया एक बहुत ज्यादा बिजियर, बिजियर का मीनिंग होता है चिल्ड्रन स्ट्रेंज, एक अजीब कार्य उसे दिया गया, ठीक है। राजीव को एक कैसा, एक अजीब कार्य दिया गया, कैसा था वो, ही वॉज गिवन अ लिटिल बॉक्स कंटेनिंग सम सैंड एंड आंट टू टेक केयर ऑफ आउट। उसे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया, उसके अंदर रेत थी और उसमें एक चींटी रख के दी गई कि वो उसकी देखभाल करेगा। द टीचर इंसिस्टेड दैट इट वॉज अ वेरी स्पेशल आंट, और टीचर ने उन्हें बताया कि ये बहुत स्पेशल चींटी है, बट मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स फेल्ट सॉरी फॉर हिम। लेकिन जो उसके जितने भी साथी थे उन्होंने क्या किया, ज्यादातर साथियों ने उसे मना कर दिया, सॉरी किया। दे एम्पेथाइज विद हिम एंड कमेंटेड एट हाउ अनफेयर इट वॉज दैट ही हैड बीन गिवन सच ए मेनियल एंड अनइंटरेस्टिंग टास्क। अब वो लोग सब क्या कहने लगे, क्या बात करने लगे कि कैसा कार्य इसे दिया गया है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, को जो भी आनंददायक भी नहीं है, यानी कि मजेदार भी नहीं है, तो ये किस तरह का कार्य जो है राजीव को सौंपा गया है। इवन हिज मदर वॉज सरप्राइज एट हिज टास्क, यहाँ तक कि उसकी जो माता जी थी वो भी बहुत ज्यादा चंपित थी इस कार्य के लिए, एंड डिडेंट एनकरेज राजीव टू पे अटेंशन टू द इरिवेलेंट पेट। और उन्होंने राजीव को मतलब ये भी राजीव को एंकरेज भी नहीं किया, और ये क्या ध्यान रखना है तुम्हें इस इरेवलेंट पेट का, इस फालतू जो आपने पेट लिया है उसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाउ एवर राजीव हु लाइक दिस टीचर वेरी मच, फिर भी जो राजीव था जो कि अपनी टीचर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, प्रेफर टू शो हिज टीचर दैट ही वुड मेक द बेस्ट ऑफ द टास्क। और वो क्या दिखाना चाहता था अपनी टीचर्स को कि वो अपने कार्य को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहा है। तो बच्चों राजीव को क्या टास्क दिया गया, एक बॉक्स में सैंड और एक चींटी दी गई कि तुम्हें इसका बहुत बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें इसका ध्यान रखना है। अब उसके जो साथी थे वो उस टास्क को देखकर एकदम मतलब उन्होंने भी इस टास्क को देखते हुए क्या कहा कि कैसा बेकार सा कार्य इसे दिया गया है जिसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इवन देन उनकी जो माता जी थी उनकी मदर ने भी, मदर भी जो थी इस कार्य पर सरप्राइज हो गई कि ये कैसा काम दिया गया है एक चींटी की देखभाल करना, ठीक है। लेकिन जो राजीव था वो कैसा बच्चा था, ऑबिडेंट बच्चा था, अपने टीचर्स को किसी भी एंगल से निराश नहीं करना चाहता था, अपनी एक टीचर्स के दिए गए टास्क को बहुत ही परफेक्टली वो करना चाहता था। तो इसलिए उसने क्या कहा कि वो इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेगा। आई विल टर्न दिस लिटिल टास्क इंटू समथिंग ग्रेट, और मैं जो है छोटे से काम को महानता में बदल दूंगा, राजीव ने अपने आप से कहा कि छोटे से टास्क को मैं बड़ा बना दूंगा, ये उसने अपने आप से कहा। राजीव स्टार्टेड रीडिंग ऑल अबाउट द लिटिल आंट। अब राजीव ने क्या किया, उस छोटी सी चींटी के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। ही लर्न्ड अबाउट द डिफरेंट स्पेसिस ऑफ आंट्स। अब उसने कई तरीके की आंट्स के बारे में पढ़ा कि जो आंट्स होती हैं वो कई तरीके की होती हैं, कई स्पेसिस की होती हैं, एवरीथिंग अबाउट देयर हैबिटेट एंड बिहेवियर, और वो कहाँ रहती हैं, ठीक है, उनका निवास कहाँ रहता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, इन सब के बारे में उसने जानना शुरू किया। ही मॉडिफाइड द लिटिल बॉक्स टू मेक इट द परफेक्ट हैबिटेट फॉर द आंट, और उसने मॉडिफाई किया कि जो छोटा सा बॉक्स है इसको परफेक्ट हैबिटेट बनाने के लिए, यानी कि आंट को
आंट को उस डिब्बे को जो उसे डिब्बा दिया गया था उसको एक परफेक्ट हैबिटेट बनाने के लिए उसने कोशिश की। राजीव गेव न्यूट्रिशियस फूड टू द आंट और राजीव ने उसे जो भी न्यूट्रिशियस भोजन एक चिट्ठी के लिए होता है वो उसने दिया एंड इट एंडेड अप गेनिंग क्वाइट सम साइज। और अंत में क्या हुआ कि उसका जो जो साइज था वो भी बढ़ा ही, मतलब थोड़ी हेल्दी हुई वो। ही सरपास्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग बोर्ड बाय हिज टास्क उसने हर एक कार्य को क्या किया, बहुत ही आशावादी रूप से किया, ना कि ये समझकर कि काम जो उसे दिया गया है वो एक बोरियत का है। ही accomplished इट विद इंटरेस्ट एंड क्यूरिसिटी उसने उस कार्य को बहुत ही आनंद से और बहुत मजे से उसने पूरा किया। एट द एंड ऑफ द मंथ इट वॉज टाइम टू जज द accomplishment ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। अब महीने का अंत आया तो वो समय था जज करने का कि जिस जिस बच्चे को जो कार्य दिया जा रहा है क्या उन बच्चों ने वो कार्य जो है किस तरीके से पूर्ण किया है। देयर टीचर केम टू द क्लास एंड अनाउंस्ड विद ग्रेट जॉय उनकी जो टीचर थी वो क्लास में आई और बड़े ही ग्रेट जॉय से मतलब खुश होकर हर्ष होकर उन्होंने घोषित किया दिस इज डॉक्टर आर के राव कि ये हैं डॉक्टर आर के राव। ही हैज केम टू शेयर विद अस ए वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज वे हमारे साथ एक बहुत ही आश्चर्यजनक समाचार को लेकर आए हैं जो हमारे बीच में वो शेयर करना चाहते हैं। अब क्या न्यूज थी चिल्ड्रन वो, द डॉक्टर सैड टुडे द स्कूल हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन यानी कि आज डॉक्टर ने क्या कहा कि आज स्कूल का जो रिजल्ट है कॉम्पिटिशन यानी कि जो प्रतियोगिता होती है उसका रिजल्ट जो है पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है एंड दिस क्लास हैज बीन चूजन टू अकंपनी मी दिस समर ऑन ए ट्रिप टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेयर वी विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स। और वो न्यूज क्या थी चिल्ड्रन, उसमें उन्होंने क्या बताया कि इस कक्षा को मेरे साथ समर में जो हमारा रेन फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल घना जंगली रेन फॉरेस्ट है जो वहां पर गर्मियों में एक ट्रिप पर जाने का मौका मिला है जहां पर हम लोग जो है कई तरह के क्रिएचर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे यानी कि उनकी क्लास को चुना गया उन डॉक्टर आर के राव के साथ एक समर ट्रिप पर जाने का मौका मिला रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे वो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रिएचर्स हैं उनके बारे में खोज करेंगे। इट इज दिस वन विच हैज बेस्ट केयर्ड फॉर द डेलिकेट लिटिल हैंड गिवन टू यू और यह किस लिए हुआ, इसलिए कि जब आपको एक छोटी सी चिट्ठी संभालने के लिए दी गई थी, केयर करने के लिए दी गई थी और आपने उसे अच्छे से देखभाल की तो इस वजह से आपको इस ट्रिप पर जाने का मौका दिया गया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बधाई हो, यू विल बी वंडरफुल असिस्टेंट्स तुम एक बहुत ही आश्चर्यजनक असिस्टेंट्स हो। अब चिल्ड्रन देखो एक छोटा सा टास्क जिसे वो बच्चे क्या समझते थे कि कितना बोरिंग काम दिया गया है, कितना अनफेयर वर्क दिया गया, अनफेयर टास्क दिया गया, लेकिन जब कोई भी टास्क को किसी भी कार्य को हम बहुत मन से बहुत ही इच्छा से और विश्वास से करते हैं और उस छोटे से काम को हम बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं चिल्ड्रन तो उसका रिजल्ट भी हमारा अच्छा आता है। जिस तरह राजीव ने एक छोटी सी चींटी को बहुत ही ध्यानपूर्वक उसकी केयर की, उसके बारे में जाना, उसके बिहेवियर के बारे में जाना, उसके हैबिटेट्स के बारे में जाना, तो उसकी वजह से उन्हें एक ट्रिप का मौका मिला डॉक्टर आर के राव के साथ जाने का रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। That day the school was filled with joy and celebration. उस दिन जो स्कूल था जब बच्चों के हमें जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे मौके मिलते हैं तो स्कूल का भी जो नाम है वो रोशन होता है तो उस दिन जो स्कूल था वो बहुत ज़्यादा जॉय से भर गया, खुशी से भर गया और उन्होंने सेलिब्रेशन किया। एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीचर फॉर गिविंग द टास्क टू राजीव और हर एक टीचर ने चिल्ड्रन जब डॉक्टर राव ने उन्हें बताया कि आपको चुना गया है
रेन फॉरेस्ट में जाने का एक मौका मिला है, जिसमें आप कई तरह के क्रिएचर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो जो स्कूल अमंग ऑल द स्कूल्स ऑफ दिस रीजन विदाउट डाउट इज इट इज दिस वन विच हैज बीन केयर्ड फॉर द डेलिकेट लिटिल आंट गिवन टू यू। इन सभी स्कूलों में से, क्षेत्र के जितने भी स्कूल है उनमें से कोई भी शक नहीं है कि आपके स्कूल को चुना गया केवल इसीलिए कि आपको जो एक नन्ही सी, एक नाजुक सी छोटी सी चिट्ठी दी गई थी उसको आपने बेस्ट केयर की है, इसी कारण आपको जो है ये मौका मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी वंडरफुल असिस्टेंट्स, आपको बधाई हो और आप एक वंडरफुल असिस्टेंट जो है बन जाओगे। That day the school was filled with joy and celebration. Children, उस दिन वो जो स्कूल था आनंद से भर गया, सेलिब्रेशन से भर गया, क्योंकि उन जब हमारे किसी विद्यालय को किसी टास्क के लिए क्षेत्र के सभी विद्यालयों में से चुना जाता है तो चिल्ड्रन स्कूल के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। इसी तरह वो स्कूल भी बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया। Everyone congratulated the teacher for giving the task to Rajiv. प्रत्येक व्यक्ति जो है टीचर को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे कि उन्होंने राजीव को ऐसा कार्य दिया। दे ऑल थैंक राजीव फॉर हैविंग बीन टू सो परसिस्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल इन हिज ड्यूटी। और सबने धन्यवाद दिया राजीव का क्योंकि उसने अपने कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही मेहनत से निभाया। द अदर चिल्ड्रन लर्न दैट इवन इफ यू हैव बीन गिवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट टास्क। अब अन्य बच्चों ने उनसे क्या शिक्षा ली? चिल्ड्रन, ये शिक्षा ली कि चाहे आपको कैसा भी कार्य दिया जाए यू शुड हैंडल इट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। एंड विदाउट डाउट इट वॉज राजीव डिटर्मिनेशन एंड विजन विच हैड वॉन। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि राजीव की दृढ़ इच्छा ने और उसके जो उस कार्य को देखने की जो क्षमता थी उससे अधिक उसने वो कार्य को किया और उसने इसको जीता। यानी कि कोई भी कार्य आपको जो दिया जाता है उसे छोटा ना समझकर अगर हम जिम्मेदारी से, मेहनत से चिल्ड्रन करते हैं तो हम हमेशा विनर होते हैं। अब मैं आपको आंट्स के बारे में कुछ और बताना चाहूंगी। चिल्ड्रन, देयर आर मोर देन 12,000 स्पेसिस ऑफ आंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि पूरे विश्व में 12,000 से भी ज्यादा स्पेसिस की आंट जो है हमारे विश्व में पाई जाती हैं। एंड आंट कैन लिफ्ट 20 टाइम्स इट्स ओन बॉडी वेट। अब जो एक आंट है वो लिफ्ट कर सकती है 20 बार अपनी बॉडी के वेट से। आंट्स डोंट हैव ईयर्स, आंट के कान नहीं होते हैं। आंट्स हियर बाय फीलिंग वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड थ्रू देयर फीट। आंट्स जो है अपने पैरों के जरिए जब वो जमीन पर चलती है तो उसकी वाइब्रेशन से महसूस करती है। व्हेन वॉकिंग आंट्स लीव अ केमिकल ट्रेल सो दैट दे नो वेयर दे हैव बीन। और जब वो चलती है तो अपने अंदर से एक ऐसी लार छोड़ती जाती है ताकि उसे पता चलता है कि वो किस जगह पर है, जान सके उसे। आंट्स डोंट हैव लंग्स, आंट्स की लंग्स नहीं होती। ऑक्सीजन एंटर्स थ्रू टीनी होल्स ऑल ओवर द बॉडी। उनके शरीर में बारीक बारीक होल्स होते हैं तो वहां से ऑक्सीजन जो एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी होल्स से बाहर आती है। व्हेन द क्वीन ऑफ द कॉलोनी डाइज, जब उस कॉलोनी की यानी कि जिस कॉलोनी में आंट्स रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, यदि उसकी क्वीन की डेथ हो जाती है द कॉलोनी कैन ओनली सर्वाइव अ फ्यू मंथ्स, तो वो जो कॉलोनी है कुछ ही समय तक जीवित रह पाती है। क्वीन्स आर रियली रिप्लेस्ड एंड द वर्कर्स आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। अब जो क्वींस हैं बहुत ज़्यादा रेयरली रिप्लेस करती हैं क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होते, योग्य नहीं होते। आंट्स में भी फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन दे गेट इन टू अवर होम और व्हेन वर हैविंग ए पिकनिक बट आंट्स हेल्प द एनवायरमेंट। आंट्स हमें फ्रस्ट्रेट कर सकती है हमें अपने घर पर या पिकनिक पर, लेकिन वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा सहायक होती है एनवायरमेंट में। दे हेल्प इन कीपिंग सॉयल फर्टाइल, वह हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उपजाऊ बनाने में सहायता करती है। एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स बाय फीडिंग ऑन डेड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, और जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं और जो इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें डिकम्पोज करने में भी हेल्प करती है। तो चिल्ड्रन, इस तरह हमने जाना इस चैप्टर के द्वारा चींटी के बारे में बहुत कुछ, और यह जाना कि कोई भी कार्य यदि हम मेहनत से, जी जान से करते हैं तो कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। तो यहाँ पर हमें हर कार्य को बड़े ही जिम्मेदारी से लेना चाहिए, चाहे वो स्कूल के द्वारा दिया जाए या हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया जाए। किसी भी कार्य को यदि हम मन लगा कर करते हैं चिल्ड्रन तो उसमें हमेशा हमें
सफलता मिलती है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें, रीड करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।